रामाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गुड फ्राइडे और ईस्टर के हवाला से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शबीर हसैन भट्ट की मसीही मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात। इस मौके पर पास्टर डॉक्टर मरकज शरीफ ने कहा कि तत्ले आली में ताफन ज़दा बदबूदार पानी शतरबे महार की तरह बीमारियां फैला रहा है। चर्च बस्ती में एक फुट से ज्यादा पानी न सिर्फ गलियों में खड़ा है बल्कि घरों में दाखिल हो चुका है। कोई परेशान हाल नहीं, मसीहियों को क्रिसमस, राह का बुध, खजूरों का इतवार, संडे सर्विसेज, जनाजे, सब गलीज तरीन पानी में से गुजरना पड़ता है। मेहमानों को भी पानी में से गुजारना पड़ता है। लोग जहनी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में एहसास महरूमी का शिकार और मरीज होकर रह गए हैं। जिम्मेदारान के सर पर जून तक नहीं रेंगती। गुड फ्राइडे और ईद की आमद अल मसीह, ईस्टर, ईद उल फितर का त्यौहार है। ताफुन ज़दा गलीज पानी से जान छुड़ाई जाए ताकि त्यौहारों की खुशियाँ दोबाला हो सके। पास्टर असलम गिल, पादरी मुश्ताक पढ़ियार, पास्टर सैमसन बूटा ने फ्रांसिसाबाद की निकासी, आ पादरी आमर एडी ने गिरजाक, पादरी इनाम यकूब, पादरी आरफ सराज, पादरी याकूब मसी ने गुजरावाला के मसाइल बयान किए। एडिशनल कमिश्नर शबीर हुसैन भट्ट ने प्रोफेसर शहजाद लॉरेंस की क्यादत में वफद को यकीन दिलाया कि जल्द तत्ले आली फ्रांसिसाबाद को निकासी आप जैसे मसला से निजात दिलाई जाएगी। अवाम के मसाइल से आगाह है और अवामी मसाइल को हल करना तरजीहात में शामिल है। हमारे गम, खुशियाँ, त्यौहार सब सांझे हैं। इस मौका पर मुल्क